नमस्कार मित्रों, तो आज हम बात करेंगे आप 21 दिन में जो भी चाहते हैं उसे कैसे पूरा कर सकते हैं। जो भी आपकी भूख हो, आपकी इच्छा हो, आपकी रिक्वायरमेंट हो, किसी को अच्छी सेहत चाहिए, 21 दिन में कैसे अच्छी सेहत पाई जा सकती है। किसी को पैसा चाहिए, घर में सुख शांति समृद्धि स्पिरिचुअलिटी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको 21 दिन में गोल को कैसे पूरा किया जाता है, सिंपल तरीका बताऊंगा। और कुदरत का एक नियम है, वो होता है 21 दिन का नियम। 21 दिन यदि किसी काम को आप प्रॉपरली पूरा कंटिन्यूज करते हैं, उसमें एक भी दिन मिस नहीं करेंगे, तो उसकी एक चेन बनती है, पूरी उसका एक सर्कल बनता है जो कि आपके अवचेतन मन में चला जाता है। जो काम आप 21 दिन कर लेते हैं वो 22वें दिन ऑटोमेटिकली होने लगेगा, आप उसे रोक नहीं सकते, वो आपके वश में नहीं रह जाता। तो जो हम अपने भीतर डाल रहे हैं उसे पॉजिटिव करके डाल सकते हैं, जिससे आपके जीवन में अच्छाई आए, जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त होने लगे। क्या करेंगे, 21 दिन की चेन होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। जो चीज भी आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, करते हैं, यदि उसे 21 दिन पूरा कर लेते हैं तो वो आपके जीवन में समा जाएगी परमानेंटली। सीधा सा नियम है, यदि 90 दिन तक 3 महीने तक किसी काम को कर लेंगे तो वो आपके संस्कार में तीव्रता से गहराई से समा जाता है। 21 दिन के लिए आप कोई भी एफर्मेशन चुन लें जो आप चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं आपको पैसा चाहिए तो एक पेन लें, कॉपी लें, साफ सुथरा कोरा पेपर होना चाहिए, लाइन वगैरह ना हो तो ज्यादा अच्छा है, लाइन वाली भी चल जाएगी लेकिन कोरा पेपर लें, हरा, गोल्डन, नीला, काला पेन यूज नहीं करना इसके लिए यदि आप लिख के कर रहे हैं। दूसरे मेथड भी है, लिखना भी अच्छा होता है। उसके ऊपर आपको एक छोटा सा सेंटेंस लिखना है, छोटी सी इच्छा लिखनी है, प्रभु आपका धन्यवाद, मुझे जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट है, मुझे इतना पैसा मिल गया, मुझे ये नौकरी मिल गई, प्रभु आपका धन्यवाद, मेरी सेहत अच्छी हो गई, प्रभु आपका धन्यवाद, मेरे घर में सुख समृद्धि बढ़ गई, प्रभु आपका धन्यवाद, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत तीव्रता से हो रही है। छोटे शब्दों में उस एफर्मेशन को लिखना है। कुछ स्टूडेंट होते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद, मेरा ये एग्जाम क्लियर हो गया, मैं इस रैंक में पास हो गया, प्रभु आपका धन्यवाद, छोटा इतना ही सेंटेंस लिखना है, प्रभु आपका धन्यवाद, मेरा ये काम पूरा हो गया, प्रभु मेरा ये हो गया, जो भी है उसके लिए धन्यवाद के साथ लिखना है, छोटा सा इतना सेंटेंस कि प्रभु आपका धन्यवाद, मेरा ये काम पूरा हो गया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कितनी देर तक, उसको जितनी देर आपसे संभव हो, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितनी आपकी इच्छा हो, जितना ज्यादा लिखेंगे उतना जल्दी काम हो जाएगा। सीधा सा समझ लें इसको, जितनी आप जल्दी लिख लेंगे उतनी जल्दी आपका काम हो जाएगा। वो चाय वाला ही काम होता है, जितनी चीनी डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। तो जितना आप टाइम ज्यादा देंगे उतने गहराई से आपके अवचेतन मन में और पूरे यूनिवर्स में वो मैसेज जाता है। उस संदेश को जो आप लिख रहे हैं उसे रोज लिखना है, 21 दिन तक आपने कोई टाइम मिस नहीं करना, कोई दिन मिस नहीं करना। दूसरा, यदि एक ही टाइम पे आप करते हैं तो उसका इफेक्ट डबल से ट्रिपल हो जाएगा एकदम से। यदि आप रोज लिखने बैठते हैं, सुबह 8 बजे लिखते हैं बैठते हैं, तो 8 बजे ही बैठेंगे यदि, तो उसका इफेक्ट और भी बढ़ जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि एक ही टाइम पे बैठें, लेकिन यदि बैठेंगे एक ही टाइम पे, चाहे 10 मिनट के लिए लिख रहे हैं, तो उसका इफेक्ट कई गुना बढ़ जाता है। ये ऑटोमेटिकली होता है, हमारे सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ही निर्भर है। सबकॉन्शियस माइंड में आपने जो डाल दिया वो हो गया। 21 दिन तक आप जो एफर्मेशन कंटिन्यूज लिखेंगे, प्रभु आपका धन्यवाद, मेरी सेहत बहुत अच्छी हो गई, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, मेरी सेहत बहुत अच्छी हो गई, उसे महसूस करते हुए कि जैसे वो आपका काम हो चुका है, उस खुशी को अभी महसूस करते हुए आपने लिखना है, प्रभु आपका धन्यवाद, मेरा ये काम हो गया, प्रभु आपका धन्यवाद, मेरा ये काम हो गया। उसको यदि आप इसी प्रकार से लिखते हैं फील करते हुए, तो उसकी जो शक्ति है वो ट्रिपल से भी 10 गुना बढ़ जाएगी, यदि आप महसूस करके लिखते हैं। असली सार लिखने का तभी होता है जब किसी शब्द को आप लिख रहे हैं और महसूस करते हुए लिख रहे हैं कि वो काम हो गया है, वो काम सक्सेसफुल हो गया है, उसकी आपकी रेशो इतनी बढ़ेगी और काम ये लगा के चलें कि 99.9 आपका काम हो ही जाएगा। ये एफर्मेशन की शक्ति है। दूसरा, आप लिख नहीं सकते, लिखना नहीं चाहते, हाथ में दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, तो मानसिक रूप से रिपीट करें, बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं, थोड़ा लंबा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास लें 2-4 मिनट के लिए, मन शांत हो जाएगा। उसके बाद थर्ड आई के ऊपर ध्यान लगाएंगे, माथे के बीच में,
जहां पे तिलक बिंदी लगाते हैं वहां पे आप ध्यान लगाएंगे और वहां पे रिपीट करना है बार बार, प्रभु आपका धन्यवाद मेरा ये काम हो गया, प्रभु आपका धन्यवाद मुझे ये नौकरी मिल गई, प्रभु आपका धन्यवाद मेरा ये काम हो गया। उस चीज को थर्ड आई के ऊपर आप ध्यान लगा के कंटिन्यूज रिपीट करेंगे, वो अत्यंत तीव्रता से आपके पूरे सबकॉन्शियस माइंड को कैप्चर करती है वो। यदि आप थर्ड आई के ऊपर बिना ध्यान किए भी एफर्मेशन देते हैं वो भी प्रभावी होगी, लेकिन यदि थर्ड आई के ऊपर आप ध्यान करके बार बार एक शब्द को रिपीट करते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद मैं पूरी तरह तंदुरुस्त हो गया, मैं पूरी तरह तंदुरुस्त हो गया, 21 दिन में आपको वो जादुई रिजल्ट मिलेंगे, आपकी कामना कुछ भी हो ए टू जेड एफर्मेशन की सुपर पॉजिटिव परमाणु शक्ति की तरह काम करता है और ये 5 मिनट में रिजल्ट भी दिखाता है। आप इसे करें आपको वो जादुई रिजल्ट मिलेंगे कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। किसी को 21 दिन के बाद मिलेगा, हो सकता है किसी को दूसरे चौथे पांचवें दिन ही रिजल्ट मिल जाए। धन्यवाद, नमस्कार।